हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग पीसी या लैपटॉप इनमें से कौन सा अच्छा होता है। आप लोग जब भी लेना दुकान में लेने के लिए जाते हैं कंप्यूटर, तो आप लोगों को कौन सा आवश्यकता पड़ता है। तो मेरा वीडियो में आप लोग को यह जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग अपने जो काम के हिसाब से कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग को डिफरेंस बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोग ले सकते हैं। जिन लोग बड़े हैवी काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, उन लोगों के लिए आप पीसी के साथ जा सकते हैं। और जिन लोग नॉर्मल दूर ट्रेवलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए लैपटॉप आवश्यक है, क्योंकि लैपटॉप पोर्टेबल होता है, उसको चार्ज करने के बाद कहीं पर भी चला सकते हैं। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता है, उसको आप लोग एक जगह में सेपरेट रख कर टेबल पर ही चलाया जाता है। जो लोग घर पर ही काम करते हैं उन लोगों के लिए पीसी आवश्यक है, और जिन लोग बाहर आउटडोर पर काम करते हैं उन लोगों के लिए लैपटॉप आवश्यक है। तो आप अपने काम के हिसाब से कंप्यूटर या लैपटॉप ले सकते हैं। जिन लोग अभी कंप्यूटर लेने वाले हैं, लेने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है जिसमें आप लोग को कंप्यूटर और लैपटॉप के डिफरेंस बताने वाला हूं। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं, बने रहे वीडियो पर। इसी लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल घंटे को भी दबा लें। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप देखते हैं। तो लैपटॉप में आप चार्जिंग करके उसको कहीं पर लेकर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता, उसको एक जगह सेपरेट रखकर उसमें यूपीएस डालकर या जो लैन वाला होता है, लैन में बिजली में ही चलाया जाता है, या आप इन्वर्टर पर भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। लेकिन आप उसको एक जगह पर सेपरेट टेबल पर रख कर डेस्कटॉप को चला सकते हैं, लेकिन बाहर ले जा नहीं सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। और लैपटॉप में आप कुछ भी मदरबोर्ड हार्ड डिस्क को चेंज नहीं कर सकते हैं, रैम को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता, उसमें आप हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर इसको भी लगवा सकते हैं, एक अच्छा सा हेवी पीसी बनवा सकते हैं। उसमें स्टोरेज धरने के लिए उसमें मदरबोर्ड दिया जाता है रखने के लिए, तो आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, और आप लैपटॉप में अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन पीसी में अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें कुछ अच्छे अच्छे हार्ड डिस्क डाल सकते हैं, सुपर मास्टर कंप्यूटर बना सकते हैं पीसी को। लेकिन लैपटॉप स्लो हो जाता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अदर उसमें मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल कार्ड डाल सकते हैं, अदर जो डिवाइस आता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में ऐसा संभव नहीं है कि मदरबोर्ड आप चेंज कर सकते हैं। और लैपटॉप में यह बेनिफिट है कि वह पोर्टेबल होता है, इसको कहीं पर ले जा सकते हैं। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता है, लैपटॉप में आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन पीसी में बहुत बड़ा बड़ा हैवी काम करने के लिए पीसी आवश्यक है। तो आपके काम के हिसाब से आप डिफरेंस करके, आप तुलना करके एक अच्छे से पीसी या लैपटॉप ले सकते हैं। जिन लोग हैवी काम करते हैं उन लोग पीसी के साथ जा सकते हैं, जिन लोग नॉर्मल काम करते हैं वे लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ पीसी और लैपटॉप में जानकारी मिला होगा, कौन सा ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, अपने काम के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करके सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटे को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जा सके। चलिए वीडियो कहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।